इस वीडियो में हम इल्मुल अमराज से रिलेटेड कुछ जनरल टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो अगर हम इल्मुल अमराज के बारे में देखें तो हम किस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो आमतौर पे हम इल्मुल अमराज जो है, अगर बुक के हिसाब से देखें तो हम इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को जनरल पार्ट हम बोल सकते हैं, जो जिसमें जनरल चीज़ें होंगी। सेकेंड, हम इसमें असबाब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉजेज, डिजीज़ के क्या क्या कॉजेज होते हैं। और थर्ड पार्ट में हम अलामात के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिम्टम्स। अब बिल्कुल ये इस तरीके से है जैसा हम कभी भी किसी डिज़ीज़ को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उस डिज़ीज़ के बारे में सबसे पहले उसके जनरल टर्म्स को हम पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसके क्या क्या कॉजेज़ होंगे, फिर क्या साइन एंड सिम्टम्स उस डिज़ीज़ का दिख रहा है, और लास्ट में हम उसका ट्रीटमेंट देखते हैं और प्रिवेंशन भी देखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम किसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक औराम का टॉपिक ले लेते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक औराम का है, ये अलग अलग जगह पर ये पार्ट्स में बिखरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अलग अलग, वैसे तो हम इनको तीन पार्ट्स में करके, जैसे फर्स्ट जनरल, सेकंड असबाब और थर्ड अलामात, ऐसे करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन कोई कोई टॉपिक ऐसे हैं जो बिखरे हुए हैं, तो उनको एक एक पार्ट में से निकाल निकाल कर एक साथ में अगर हम पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम औराम का टॉपिक लेंगे, तो सबसे पहले हम औराम का जनरल पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे कि उसके क्या क्या असबाब हैं, यानी क्या क्या कॉजेज़ हैं, फिर थर्ड हम देखेंगे उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे इल्मुल अमराज का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि औराम से रिलेटेड उसूल इलाज क्या है। तो ये वाला जो पोर्शन उसूल इलाज वाला आ जाएगा, ये हमारा ट्रीटमेंट से रिलेटेड होगा, ये हमारा ट्रीटमेंट से रिलेटेड होगा कि ट्रीटमेंट का किस तरीके से करते हैं, और ये वाला पोर्शन हमें उसूल इलाज सब्जेक्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। वैसे हम तीन पार्ट्स में करके सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो अभी तक जो इल्मुल अमराज है उसमें हमने सबब मर्ज वाला टॉपिक कर रखा है पहले से। ये प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो पहले से अपलोडेड है। हालत बदने इंसान, अजनास अमराज, फिर सुय तरकीब, तफरुक तसाल, औराम की दो वीडियोज़ में हमने बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। सिमिलरली असबाब का वो टॉपिक जो उमूर तबैया से भी रिलेटेड है और इल्मुल अमराज से भी है, फिर एक और टॉपिक जो सिर्फ इल्मुल अमराज से स्पेसिफिक है, फिर सुय मिजाज के बारे में और मिजाज मोतदिल की जो अलामत होती हैं और खिल के गलबे की जो अलामत होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम पहले से कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी टॉपिक पे आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें कि जो टॉपिक्स अभी कवर नहीं हुए हैं उसको हम एक एक करके उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अमराज़ ज़ाहिरा कौन से होते हैं और बातिना कौन से होते हैं। तो अमराज़ का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं कि डिज़ीज़ को हम अमराज़ कहते हैं, और जो ज़ाहिरा है यानी जो ज़ाहिर हो रहे हैं, यानी जो एक्सटर्नली हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम अमराज़ ज़ाहिरा को इंग्लिश में बोल सकते हैं, दीज आर एक्सटर्नल डिजीज़। तो जो अमराज़ ज़ाहिरा हैं, जो ज़ाहिर हो रहे हैं, इनको हम एक्सटर्नल डिजीज़ कह रहे हैं, यानी जो एक्सटर्नली देखे जा सकेंगे। और सेकंड जो है अमराज़ बातिना है, हम इनको इंटरनल डिजीज़ कहेंगे, यानी जो हमारे बातिन हमारे अंदर में जो होंगी, जो सामने नहीं दिख रही हैं, दीज विल बी कॉल्ड एज इंटरनल डिजीज़। अब इनको देखते हैं आखिर असल में क्या है। तो बाज़ अमराज़ जो होते हैं ज़ाहिर होते हैं, यानी एक्सटर्नली दिखते हैं, जो मुशाहिदा और हिस्से लामसा के ज़रिए तशखीस किया जा सकते हैं। तो ये ऐसे डिजीज़ होंगे। अमराज़ ज़ाहिरा क्या हैं? ज़ाहिर हैं यानी एक्सटर्नल हैं, और जब हम इनको मुशाहिदा करेंगे, यानी जब हम इनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हमें इनके बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। हिस्से लामसा यानी टच के थ्रू तशखीस किए जा सकते हैं, यानी अगर हम इनका डायग्नोसिस करना चाहेंगे, यानी इन डिजीज़ को हम डायग्नोस करना चाहेंगे, तो टच के थ्रू हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको ईजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक्सटर्नल डिजीज़ यानी अमराज़ ज़ाहिरा कौन होंगे? द डिजीज़ डैट अपीयर एक्सटर्नली, यानी ज़ाहरी तौर पर बाहर हमें एक्सटर्नली देखेंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? अमराज़ ज़ाहिरा कहेंगे। और अगर हम इनके एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो दीज कैन बी एग्जामिन बाय जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी अगर हम नॉर्मल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे सिर्फ टच का, या फिर बाहरी ऊपर से अगर हम उनको देखते हैं, तो आसानी से इनका क्या करा जाएगा? एग्जामिनेशन किया जा सकेगा, इन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें आसानी से पता लग जाएगा। अब मसलन एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, जैसे औराम व बुसूर, यानी जो स्वेलिंग्स होती हैं देखते ही पता लग जाती हैं कि ये स्वेलिंग हो रखी है, या फिर जो इरप्शंस होते हैं ये भी देखते ही पता लग जाते हैं। सिमिलरली जुजाम जैसे लेप्रोसी को कहते हैं हम, और बर्स यानी जिसको विटिलिगो को बर्स कहते हैं, तो हमें पता है वाइट पैचेज होंगे बर्स में क्या होगा? वाइट पैचेज होंगे, ये विटिलिगो होगा, देखते ही हमें समझ में आती हैं। तो एक्सटर्नल डिजीज़ क्या होंगी? जो हमें देखते ही समझ में आ जाए, जैसे औराम व बुसूर देखते ही पता लग जाता है। अब सेकेंड हम देखते हैं, बाज़ अमराज़ बातिना होते हैं यानी इंटरनल होते हैं,
ख्वाह उनका पहचानना आसान हो। तब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, इंटरनल में इंटरनल ऐसी डिजीज़ेज जो इंटरनल हो लेकिन इनका पहचानना आसान हो, जैसे दर्द मैदा जिसको गैस्ट्रेल्जिया कहते हैं। तो ये दर्द मैदा, अब जो मैदा का दर्द है ये बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाता है अगर इसको डायग्नोस करना चाहें तो। इनको हम कौन सी कैटेगरी में लेंगे? अमराज़े बातिना, जिनका पहचानना आसान है। सेकंड क्या है? जिनका तशखीस करना मुश्किल हो, यानी अगर जिनकी डायग्नोसिस, तो ये बातिना हो यानी इंटरनल हो लेकिन इनका डायग्नोसिस मुश्किल हो, तब हम इनको क्या कहेंगे? तब ये सेकंड कैटेगरी में आएंगे। जैसे ऐशा के अमराज़े बातिना जिनमें तकलीफ़ नहीं होती, तो इसमें तकलीफ़ नहीं होती इस वजह से इनको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। यानी जो विसरा से रिलेटेड जो डिजीज ऐसा, यानी विसरा, तो जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनमें विसरा से रिलेटेड जो इंटरनल डिजीज़ हैं उनमें क्या है, तकलीफ़ नहीं पाई जाती, तो इस वजह से इनका डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, नॉर्मली अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक्सटर्नल डिजीज़ें जो सामने पता लग जाएँ फिजिकल एग्जामिनेशन या टच वगैरह के थ्रू हम इन्हें आसानी से देख लें, तो इनको हम अमराज़े ज़ाहिरा कहेंगे, जैसे औराम व बुसूर हो गए। और सेकेंड ऐसे डिजीज़ जो अंदर की तरफ होते हैं, इंटरनल होते हैं, जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से आसानी से पता नहीं लगेंगे, उनको हम राज़े बातिना कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मर्ज़ मुसल्लम और गैर मुसल्लम। मर्ज़ मुसल्लम वो मर्ज़ हैं जिनके मुनासिबत इलाज व तदाबीर में कोई अम्र माने ना हो जो सही तदबीर व इलाज में रुकावट पैदा ना करें। यानी ऐसे डिजीज़ जिनका जब हम इलाज करना चाहेंगे तो उनमें क्या है, पेचीदगी नहीं आएंगी, जिनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, यानी आसानी से जिनका इलाज किया जा सकेगा, उनको हम मर्ज़ मुसल्लम कहेंगे। यानी मर्ज़ मुसल्लम वो मर्ज़ हैं जिनके मुनासिब, यानी अगर हम सुटेबल उनका इलाज कोई करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, उनमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगी, आसानी से उनका इलाज हो जाएगा। और मर्ज़ गैर मुसल्लम वो मर्ज़ होंगे जिनका सही तदबीर व इलाज का मौका ना दें। अब इनको एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हम मर्ज़े गैर मुसल्लम को देखते हैं, तो मुसल्लम भी हमें उसी के साथ में समझ में आ जाएगा। तो गैर मुसल्लम वो होंगे जिनमें क्या होगी, पेचीदगी होगी। एग्जांपल देख रहे हैं, इस्तिस्का की हालत में बुखार का पाया जाना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें इस्तिस्का भी मिल रहा है, इस्तिस्का यानी हम इसे इडीमा बोल सकते हैं, एसआईटीस के नाम से हम इसे जानते हैं, और बुखार यानी फीवर। तो अगर फीवर भी है और इडीमा भी है तो इसमें क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, मर्ज़ गैर मुसल्लम। अब ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रही है वो हम देखते हैं। तो मर्ज़ गैर मुसल्लम होगा इसलिए कि इस्तिस्का का इलाज जो है अद्व्यहार से होगा। तो जो एसआईटीस है, तो हम जानते हैं कि जो भी बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज हम इलाज भी जिद से करते हैं, यानी उसकी अपोजिट तदाबीर के थ्रू करते हैं। तो इस्तिस्का का इलाज करने के लिए हमें ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे जो अद्व्यहारा कहलाएंगी, यानी जिनमें हरारत होगी, हार होंगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम अद्व्यहार का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, बुखार बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा चीज़ करते हैं, मान लीजिए हम बुखार का पहले इलाज करते हैं, तो अगर इलाज है अद्विया बारिदा से करेंगे तो क्या होगा, बुखार में तो फ़ायदा होगा लेकिन इस्तिस्का बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए अपोजिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि दोनों के लिए अपोजिट, अगर हम इस्तिस्का का इलाज करेंगे तो बुखार में कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, अगर बुखार का इलाज करेंगे अद्विया बारिदा से तो इस्तिस्का में कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो हम ऐसी डिजीज़ को गैर मुसल्लम कहते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल और है इसमें हम समझने के लिए, जिससे गैर मुसल्लम समझ सकते हैं, जैसे पथरी का इलाज जो है मुदिरात से होता है, यानी ऐसी दवाओं से होता है जो जारी करने वाली होती हैं। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको पथरी भी हो रखी है, तो इस केस में क्या होगा, मुदिरात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुदिरात का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर हम मुदिरात का यूज़ करते हैं। तो मुदिरात जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, तो मुदिरात का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगी, इसी को हम गैर मुसल्लम कहेंगे क्योंकि ये पेचीदगी पैदा कर रही है। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम इतना समझ सकते हैं कि मर्ज़ मुसल्लम वो होंगे जिनमें पेचीदगी नहीं होगी, आसानी से इलाज किया जा सकेगा, और गैर मुसल्लम वो होंगे जिनमें पेचीदगी होगी। जैसे प्रेगनेंट लेडी के केस में अगर हम पथरी का इलाज करना चाहेंगे तो हम उसमें मुदिरात को नहीं दे सकते। और दूसरा एग्जांपल हमने देखा, इस्तिस्का और बुखार एक साथ में आ जाए तो भी ये गैर मुसल्लम, मर्ज़े गैर मुसल्लम कहलाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अमराज़े मुतादिया, तो इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल सकते हैं या फिर हम इनको कंटेजियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं। तो ये वो अमराज़ हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक बज़रिए इन्फेक्शन पहुँचते हैं, यानी इनको क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं, तो ये अदवा यानी इन्फेक्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेंगे, यानी एक पर्सन से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र होने वाले डिजीज़ हैं, इसी वजह से इनको इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। तो जैसा एग्जांपल चेचक हो गया, हैज़ा हो गया, कॉलरा, आदशक यानी सिफिलिस जिसे कहते हैं,
सिमिलरली सूसाक जैसे गोनोरिया को कहते हैं। तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं इनको हम अमराज मुतादिया यानी इन्फेक्शन डिजीज़ मिलेंगे, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है इन्फेक्शन के थ्रू यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक ये ट्रांसफ़र होने वाली है, तो इनको हम अमराज मुतादिया कहेंगे। सेकेंड जो हम देख रहे हैं इनको कहते हैं अमराज मुतवारिसा, इनको हम क्या कह सकते हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये वो अमराज हैं जो ख़ानदान में बतौर विरासत मुंतकिल होते हैं यानी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, यानी हम इनको नॉर्मली कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने वाले हैं, जैसे सुजाक जिसको गोनोरिया को कहते हैं, आर्थशक यानी सिफिलिस जिसे कहते हैं, सिमिलरली और डिजीज़ भी इसी तरीके की हो जाएंगे। तो इनको कहेंगे अमराज मुतवारिसा यानी हेरिडिटरी। तो इनके इनके बारे में ख़ास क्या है, ये ख़ानदान में एक ख़ानदान में जो है ये ट्रांसफ़र होती है, ख़ानदान में ट्रांसफ़र होती है यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं अमराज जिन्सिया किने कहते हैं, तो अमराज जिन्सिया ये वो अमराज हैं जो नौ इंसान के मखसूस जिन्स या फिर किसी मखसूस कबीले से ताल्लुक़ रखेंगे या किसी खास खित्ते यानी किसी खास प्लेस से इनका ताल्लुक़ होगा। यानी हम इनको इंग्लिश में इस तरीके से समझ सकते हैं कि दीज डिजीज़ आर पेक्यूलियर टू अ रेस, किसी रेस से, किसी ट्राइब से और पीपल ऑफ अ रीजन, किसी खास जगह से रिलेटेड होती हैं। तो ये कैसी डिजीज़ हैं, ये ऐसी डिजीज़ हैं जो किसी खास रीजन से यानी किसी खास खित्ते से, किसी कबीले से यानी ट्राइब से, किसी खास जिन से यानी रेस से, तो इनसे रिलेटेड होंगी यानी किस कुछ खास लोगों में हो रही होंगी या कुछ खास जगहों पर हो रही होंगी, तो इनको अमराज जिन्सिया कहेंगे। जैसा एग्जाम्पल काला आजार जो है आसाम बंगाल में ज़्यादा पैदा होता है, तो आसाम बंगाल अगर हम देखें तो इनमें जो है ज़्यादा काला आजार का इंसिडेंट हमें देखने को मिलेगा। सिमिलरली गुर्दे व मसाना की पथरी जो है स्टोन्स होते हैं यानी किडनी एंड ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, अमराज जिन्सिया बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अमराज हादा व मुजमिना, तो अमराज हादा हम उनको कहते हैं दीज आर एक्यूट डिजीज़, और अमराज मुजमिना को हम कहेंगे क्रोनिक डिजीज़, यानी एक तो एक्यूट है और एक क्रोनिक है। तो जैसा हम नाम से ही देख सकते हैं ये ज़्यादा मुश्किल नहीं इनको समझना, बहुत ज़्यादा इजी है, एक एक करके देखते हैं। ये हिद्दत व शिद्दत के लिहाज से अमराज को दो किस्मों में तकसीम किया गया है, तो हिद्दत यानी सीवेरिटी एंड इंटेंसिटी ऐसा कह सकते हैं हम, यानी डिजीज़ अपना कॉम्प्लिकेशंस किस तरीके से दिखा रहे हैं, अपने जो सिम्टम्स हैं वो कैसे दिखा रहे हैं, हल्के हैं या फिर मुश्किल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस बेसिस पर हम इनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है अमराज हादा, तो ये वो अमराज है जिनकी मुद्दत थोड़ी होती है यानी टाइम इनमें कम होता है इनका टाइम। अवारिस व अलामात जो हैं यानी साइंस एंड सिम्टम्स और इनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो शदीद होते हैं और जिनमें हलाकत का ख़तरा होता है यानी डेथ आ सकती है, यानी ये लीथल होते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे हैज़ा हो गया, कॉलरा, निमोनिया, तो इस तरह की डिजीज़ हादा में आ जाएंगे, यानी इनमें टाइम यानी छोटे टाइम के लिए ये होंगी लेकिन इनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरे जो हैं अमराज मुजमिना ये क्रोनिक होंगे, तो ये वो अमराज हैं जो ज़्यादा अरसे तक रहते हैं यानी टाइम के हिसाब से ज़्यादा होंगे। आवारिजात जो इनके जो साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो हल्के होते हैं, ज़्यादा नहीं होते और काबिले बर्दाश्त होते हैं, और ये अंजाम के लिहाज से गैर मौलिक भी हो सकते हैं और मौलिक भी। अब इनमें दोनों कंडीशंस आ सकती हैं, फर्स्ट वाला तो मौलिक था यानी लीथल था, तो ये नॉन लीथल भी हो सकते हैं और लीथल भी हो सकते हैं, गैर मौलिक भी हो सकते हैं नॉन लीथल एंड मौलिक भी हो सकते हैं यानी डेथ कॉज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जुजाम, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलर फीवर, आतशक जैसे सिफिलिस वगैरह होते हैं, तो ये सारे इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे, यानी इनमें ज़्यादा मुजमिना में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, काफ़ी टाइम से ये डिजीज़ आदमी के अंदर यानी पेशेंट के अंदर देखने को हमें मिलेंगी। इन दोनों किस्मों के दरमियान कुछ ऐसे अमराज पाए जाते हैं जिनको ना मुजमिन कहा जा सकता है ना हादा, ना यानी वो ऐसे डिजीज़ होंगे जो ना ही एक्यूट होंगे ना क्रोनिक होंगे, चुनांचा ऐसे अमराज को हादा उल मुजमिनात कहते हैं, यानी हादा भी इसमें है और मुजमिन भी है, दोनों मिलाकर हमने ये नाम रखा है। जैसे मिर्गी हो गया, एतनाकुर रहम जिसको हम हिस्टेरिया के नाम से जानते हैं, सिमिलरली वजाउल मुफासिल यानी आर्थराइटिस, यानी शॉर्ट में हम इस तरीके से देख सकते हैं कि डिजीज़ दो तरह के होंगे, हादा और मुजमिना, यानी एक्यूट एंड क्रोनिक। जो एक्यूट होंगे उनमें टाइम थोड़ा होगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, शदीद होंगे और डेथ कॉज कर सकते हैं।
और जो अमराज़ मुज़मिना होंगे वो क्या होंगे, इनमें टाइम ज़्यादा होगा, यानी काफ़ी टाइम तक, काफ़ी टाइम से पेशेंट के अंदर ये डिज़ीज़ होंगी और इनके कॉम्प्लिकेशंस हल्के होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और केस में हमें देखने को मिल सकता है कि लीथल और नॉन लीथल दोनों ही हो सकते हैं। तो जो अमराज़ मुज़मिना है वो लीथल और नॉन लीथल दोनों हो सकते हैं, और इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि हादाउल मुज़मिनात जो होंगे तो ये ऐसे होंगे जिनको इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकेगा। अमराज़ असलिया व शिरकिया, तो जैसा हमें नाम से दिख रहा है कि अमराज़ असलिया जो हैं असल जो होंगे और शिरकिया जो हैं किसी की शिरकत की वजह से होंगे, तो हम देखेंगे कि अमराज़ असलिया को हम क्या कह सकते हैं, दीज आर स्पेसिफिक डिजीज़ेस, यानी ये ऐसे होंगे जो एसोसिएटेड होंगे किसी खास ऑर्गन से एसोसिएटेड होंगे, तो हम इनको क्या कहेंगे, असलिया कहेंगे। और शिरकिया क्या होंगे, ये डिजीज़ जो होंगी दीज विल बी ड्यू टू डिजीज़ ऑफ अनदर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन, यानी कोई इंटरकनेक्टेड ऑर्गन जो होगा उसकी वजह से। तो अमराज़ शिरकिया को हम क्या कह सकते हैं, इनको हम सेकेंडरी डिजीज़ कह सकते हैं, यानी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक डिजीज़ जो हैं असलियाँ हैं जो एसोसिएटेड ऑर्गन से होंगे, किसी एसोसिएटेड खास ऑर्गन से रिलेटेड होंगे, और जो शिरकियाँ होंगे वो किसी और इंटरकनेक्टेड ऑर्गन की वजह से होंगे, इसी वजह से हम इनको सेकेंडरी डिजीज़ बोल सकते हैं। तो बाज़ अमराज असलिया यानी खासा होते हैं और बाज़ जो है शिरकिया होते हैं, तो कुछ असलिया या फिर खासा होंगे और कुछ अमराज कैसे हो सकते हैं, वो शिरकिया होंगे। अब इनको और डिटेल्स हम इनकी देखते हैं। मर्ज़ असली वो मर्ज़ है जो किसी उज़ू में असली तौर पर वाक़ होता है, यानी अगर इसके वकू यानी अकरेंस की इसकी बात करें, यानी ये कैसे अकर कर रहा है, तो किसी दूसरे मर्ज़ के सबब ना हुआ हो, यानी किसी और की वजह से नहीं हो रखा हो, तो इसको असली कहेंगे। तो इजी लैंग्वेज में मर्ज़ असली कौन सा होगा, जो स्पेसिफिक डिजीज़ होंगे किसी और से किसी असली कौन से होंगे, जो किसी खास ऑर्गन से एसोसिएटेड होंगे और किसी और की वजह से नहीं हो रहे होंगे, इसी वजह से हम इनको शिरकी नहीं कह रहे हैं, असली कह रहे हैं। तो क्या होगा, इनका जो अकरेंस होगा किसी दूसरे मर्ज़ के सबब में नहीं होगा, यानी किसी और मर्ज़ की कॉज में नहीं हो रखा होगा, यानी ये असली होंगे, ये खुद से होंगे, किसी खास चीज़ से रिलेटेड होंगे लेकिन किसी और की वजह से नहीं हो रहे होंगे। और मर्ज़ शिरकी क्या होगा, जैसा हम नाम से देख सकते हैं कि शिरकी यानी किसी और चीज़ की शिरकत की वजह से हो रहा है, तो इस मर्ज़ को कहते हैं जो किसी उज़ू में किसी दूसरे मर्ज़ की वजह से पैदा हो, यानी किसी और चीज़ की वजह से ये आ रहे होंगे। मर्ज़ असली और मर्ज़ शिरकी की तशखीस से फारिका मालिज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि मर्ज़ शिरकी के मुकाबले में मर्ज़ असली का इलाज मुकद्दम है, यानी असली का इलाज पहला होना चाहिए। तो हम पहले इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि आखिर असली और शिरकी में क्या फ़र्क है। तो जो पहले जो होगा मर्ज़ असली होगा, यानी ये प्राइमरी है, और इसकी वजह से क्या है, मर्ज़ शिरकी पैदा हुआ है, यानी ये सेकेंडरी है। तो यानी फर्स्ट की वजह से सेकंड हुआ है, तो अगर हम मर्ज़ असली को ठीक कर देते हैं तो मर्ज़ शिरकी भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मर्ज़ असली की वजह से ही मर्ज़ शिरकी पैदा हुआ है। तो अगर हम मर्ज़ असली पर ध्यान दें, उसको पहले ध्यान दें और उस पर अच्छे इलाज करवाएं, तो मर्ज़ शिरकी जो है धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम मर्ज़ शिरकी पर ध्यान देते चले जाएँ लेकिन असली पर ध्यान ना दें, तो इस केस में क्या होगा, हो सकता है हमें कुछ टाइम के लिए फ़ायदा हो, लेकिन मर्ज़ असली क्योंकि अपनी जगह पर अपने रूट्स में पूरा लगा हुआ है, उसने अपने रूट्स अभी बना रखे हैं, वो सही नहीं हुआ है, उस पर हम इलाज भी नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होने वाला है, मर्ज़ शिरकी हो सकता है कुछ टाइम के लिए सही हो लेकिन दोबारा वैसी हो जाए, क्योंकि असली काम ने इलाज नहीं करा है, यानी जो फर्स्ट है उसको हमें पहले इलाज करना है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मर्ज़ शिरकी के मुकाबले में मर्ज़ असली का इलाज मुकद्दम है, यानी इसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका इलाज होगा, मर्ज़ असली का होगा, क्योंकि असली का इलाज करते ही शिरकी खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। नेज मसले असली का इलाज ज़्यादा कवी व मौसर होना चाहिए, यानी जो भी हम इलाज कराएंगे असली का, उसको हमें ज़्यादा कवी रखना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, मौसर होना चाहिए ज़्यादा अच्छे से, यानी ज़्यादा फोकस हमारा असली पर होना चाहिए। मर्ज़ असली और शिरकी में फ़र्क ये है कि जो मर्ज़ शिरकी होता है वो असली के क़याम के साथ में कायम रहता है, यानी जब तक असली बाकी रहेगा मर्ज़ शिरकी उसकी वजह से आ रहा होगा और असली की शिद्दत के साथ में बढ़ जाता है। तो अगर असली और ज़्यादा, अगर मर्ज़ असली यानी जो प्राइमरी डिजीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो शिरकी के भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगेंगे और मर्ज़ असली के जवाल के साथ में मर्ज़ शिरकी भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि असली की वजह से शिरकी आ रहा था, तो अगर असली मर्ज़ हमने सही कर दिया तो शिरकी भी ख़त्म हो जाएगा। तो मर्ज़ असली के जो मुजरात यानी नुकसान होते हैं वो शिरकी से मुकद्दम होते हैं, लेकिन कभी इसमें मुगालबा हो जाता है, जिसकी दो वजूहात होती हैं यानी रीजंस होते हैं। यानी हमें इतना पहले तो इसका जो
जनरल बात ये समझनी है कि मर्ज़ असली का इलाज पहले करना है मर्ज़ शिरकी से, और मर्ज़ असली अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो शिरकी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर असली को ठीक कर दिया तो शिरकी भी ख़त्म हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन एक ख़ास कंडीशन हम देख रहे हैं, लेकिन कभी इसमें मुगालबा हो जाता है, यानी मुगालबा यानी फॉलेसी, फैलेसी जिसे कहते हैं, यानी इसमें अपोजिट भी इसके हो सकता है। अब ऐसा कब होने वाला है, तो आम तौर पे जनरल कंडीशन में मर्ज़ असली की वजह से शिरकी होगा, अगर असली को ठीक कर दिया तो शिरकी सही हो जाएगा। लेकिन कब ऐसा होने वाला है जो इसका उल्टा होगा, तो वो रीज़न्स हम देखते हैं। अगर असली वज़ू की हिस बती और शिरकी वज़ू की हिस जो है ज़की हो जाए, यानी जो हमारा असली वज़ू है जो प्राइमरी था उसकी जो हिस हो वो बती हो, यानी वो लेस सेंसिटिव हो। तो बती का मतलब स्लो होता है और हिस का मतलब सेंसेशन होता है, यानी सेंसिटिविटी इसकी जो है कम हो असली की। तो आमतौर पे असली जो मेन था, लेकिन अगर असली की सेंसिटिविटी कम हो और शिरकी की ज़्यादा हो तो ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होंगे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। और दूसरा जो है असली मर्ज़ कमज़ोर हो और कलील हो और शिरकी मर्ज़ ज़्यादा कवी हो। तो आम तौर पे तो हम देखेंगे कि असली की वजह से शिरकी आ रहा है, लेकिन अगर असली मर्ज जो है कमज़ोर होगा यानी ज़्यादा कवी नहीं होगा और कलील होगा, तो इस केस में भी हमें यहाँ पे कुछ अपोजिट देखने को मिलेगा। तो यानी लास्ट पॉइंट हमें एक बार ध्यान देना है, जनरली क्या है असली की वजह से शिरकी होता है, लेकिन मर्ज असली के जो मुजरत यानी नुकसान होते हैं वो क्या होंगे, शिरकी से मुकदम या पहले होते हैं, यानी जो फर्स्ट है यानी असली है प्राइमरी, क्योंकि वही प्राइमरी है तो उसके जो नुकसान होंगे वो मुकदम या पहले होंगे, लेकिन उसके बाद में जो नुकसान होंगे सेकेंडरी के होंगे। लेकिन कभी कभी क्या है, इसका अपोजिट हो सकता है, यानी सेकेंडरी का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा और पहले हो जाएगा। किस केस में होने वाला है, दो केस में। पहला, अगर असली उजू जो है उसकी सेंसिटिविटी कम है यानी हिस्से बती है, और दूसरा अगर असली मर्ज़ जो है वही कमज़ोर है। अब मर्ज़ असली व शिरकी तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्या क्या रीजंस होते हैं जो शिरकत अमराज यानी मर्ज़ में शिरकत के क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला देख रहे हैं, दोनों अज़ा एक दूसरे के करीब मुतसिल होते हैं यानी कनेक्टेड होते हैं। तो ये शिरकत की एक वजह हम देख रहे हैं कि दोनों अज़ा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर दो अज़ा हैं, दो ऑर्गन से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर एक को प्रॉब्लम आती है तो दूसरे में भी शिरकी मर्ज़ यानी उसकी शिरकत की वजह से, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं तो फर्स्ट की प्रॉब्लम की वजह से सेकेंड हो जाएगा। मसलन दिमाग अमराज में गर्दन मुतासिर हो जाता है, यानी गर्दन भी अफेक्टेड हो जाता है। तो हमने देखा कि अमराज जो है दिमागी था, लेकिन उसके बावजूद गर्दन जो है वो अफेक्ट हो गया, तो ये कनेक्शन की वजह से है। दूसरा, एक वज़ू दूसरे वज़ू का रास्ता हुआ करता है, मसलन पैर की जलाहत में कुंजरान के गुदुद जो है मुतवरिम हो जाते हैं, यानी अगर हमें पैर में वूंड है तो इस केस में क्या होने वाला है, थाई के अलोंग यानी अगर किसी हमें पैर में अगर वूंड हो रखा है हमें, तो पैर में वूंड के केस में क्या हो जाएगा, थाई के अराउंड हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक एक वज़ू दूसरे वज़ू का क्या है, रास्ता है, यानी जैसे जैसे नॉर्मल सेंस में हम इतना समझ सकते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कि जहाँ जहाँ हमें कनेक्शंस देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे एक मर्ज़ की वजह से दूसरा मर्ज़ कहीं और मिलेगा हमें। समटाइम्स से शिरकत की वजह ये होती है कि एक वज़ू दूसरे वज़ू का खादिम होता है। तो अगर हम खादिम के मीनिंग देखेंगे तो नॉर्मल जो हम लैंग्वेज में देखते हैं तो खादिम का मतलब होता है सर्वेंट। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई जो मेन ऑर्गन है उसको उसका काम करने के लिए यानी उससे रिलेटेड काम करने के लिए जो जितने भी दूसरे ऑर्गन्स होंगे उनको हम खादिम बोलेंगे। चुनांचा मरीज़ उज़ू की तकलीफ़ के साथ में उज़ू खादिम भी मुतासिर होते हैं, यानी वो ऑर्गन्स जो उनके काम में मदद कर रहे हैं तो वो भी जाके मुतासिर हो जाएंगे। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा, जिस मर्ज़ में उज़ू असली मुब्तला हो उससे उसके आज़ाए खादमा भी मुतासिर हो जाते हैं। जैसे दिमागी अमराज के साथ में दिमाग के खादिम यानी आसाब भी मुतासिर होते हैं। तो हमें पता है कि अगर दिमागी अमराज की अगर हम बात करें तो ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज़ होंगे उसमें जो आसाब हैं यानी जो नर्व्स हैं, तो हमें पता है कि नर्व्स जो हैं सेंसेशंस को लेकर भी आते हैं और उससे उसके बाद में मोटर फंक्शन के लिए फिर ब्रेन से सेंसेशंस को लेकर जाएंगे। तो ये इनके लिए क्या है, खादिम है, यानी जो आसाब हैं वो ब्रेन के लिए क्या है, खादिम की तरह काम कर रहे हैं, उनके सिक्रेशंस वो उनके जो सेंसेशंस हैं वो लेकर आ रहे हैं, यानी इनका काम करने में मदद कर रहे हैं। तो इस केस में अगर दिमागी अमराज होते हैं तो आसाब भी अफेक्टेड हो जाते हैं, यानी खादिम जो ऑर्गन्स होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे। फिर हम देखेंगे समटाइम शिरकत की वजह ये होती है कि एक वज़ू दूसरे वज़ू के फेल का जो है मबदा यानी सोर्स होता है। जैसे अगर हम डायफ्राम की बात करें, हिजाब यानी डायफ्राम की बात करें,
तो डायफ्राम में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो फेफड़े भी ज़रूर मुतासर होंगे, यानी लंग्स में भी हमें वो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो फोर्थ केस में हमने देखा कि शिरकत की वजह होती है एक उज़ू दूसरे उज़ू का फेल का जो होता है सोर्स होता है, यानी एक उज़ू की वजह से दूसरे उज़ू का फंक्शन जो है डिपेंडेंट होता है। तो हम देखेंगे अगर डायफ्राम में प्रॉब्लम आती है तो सांस लेने में यानी फेफड़ों में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, लंग्स में भी हमें देखने को, यानी लंग्स भी जो है वो मुतासर होंगे यानी इफ़ेक्टेड होंगे। इसके बाद हम देखते हैं समटाइम्स शिरकत की वजह ये होती है कि एक उज़ू दूसरे उज़ू की सीध में वाक़े होता है। जैसे हम देखेंगे कि मैदा और कल्ब, चुनांचा मैदा के अक्सर अमराज में कल्ब भी तकलीफ़ महसूस करता है या फिर दिमाग में तकलीफ़ महसूस करता है। तो यानी मैदा से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड अगर कोई डिज़ीज़ है तो हम उसमें कल्ब को भी अफेक्टेड पाएंगे, हार्ट को भी उसमें इफेक्टेड पाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैदा की एक मर्ज़ यानी जिसको फमे मैदा कहते हैं, फमे मैदा में ऐसा बोल सकते हैं ओरिफिस ऑफ स्टमक। तो इस केस में इसका दर्द जिसको वजहुल फवाद कहते हैं यानी हार्ट बर्न बोल सकते हैं हम इसे, तो इस केस में क्या होने वाला है कहते हैं, क्योंकि इसके दर्द की मौजूदगी में कल भी मुतासर होता है, हद तक कि गशी तारी हो जाती है यानी सिंकपी होती है, गशी यानी सिंकपी, ब्लैकआउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसे तो इफेक्टेड जो था वो मैदा था, मैदा से रिलेटेड इफेक्ट इफेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद हमें कहाँ पे कल्ब यानी हार्ट भी यहाँ पर मुतासिर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ केस, बाज़ औक़ात शिरकत अमराज की वजह उरूक होते हैं यानी वेसल्स होते हैं जो एक उज़ू से दूसरे उज़ू को जाते हैं, यानी ऐसे वेसल जो एक उज़ू से ये दूसरे ऑर्गन तक जा रहे होंगे तो इनकी वजह से भी हो सकता है। मसलन गुर्दे, गुर्दे अगर इफेक्टेड हों तो उसकी सूरत में दिमाग का मुतासिर होना यानी किडनीज़ के इफेक्ट में दिमाग भी मुतासिर हो जाता है। सेवन्थ हम देखेंगे समटाइम शिरकत की वजह ये होती है कि एक उज़ू के जो सिक्रेशंस होते हैं उनका ताल्लुक दूसरे उज़ू के फेल से होता है, यानी दूसरे उज़ू के फंक्शन से रिलेटेड होता है, यानी एक उज़ू का सिक्रेशन दूसरे उज़ू के फेल से यानी उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं जिगर और मैदा की शिरकत सफरा के ज़रिए, तो यानी जो सफरा है बाइल है उसके ज़रिए जिगर और मैदा जो है एक दूसरे से शरीक हैं। तो हमें पता है कि जो बाइल होता है वो लीवर से सिक्रीट होता है और इसका काम कहाँ होगा, तो इस बाइल का काम जो है डाइजेशन में जाएगा। तो इस वजह से हम देखेंगे कि जिगर और मैदा एक दूसरे से क्या होंगे, शिरकत में होंगे, किसके थ्रू, बाइल के थ्रू। अब एट्थ और नाइन्थ को एक साथ में हमें देखना है, ये दो अलग अलग केसेस हैं। शिरकत कभी मूजिब तखफीफ मर्ज भी होती है, यानी कई बार शिरकत की वजह से क्या होगा, जो हमारा मर्ज है वो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी, उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा, यानी मर्ज में मर्ज थोड़ा ठीक हो जाएगा पहले से। जैसे गुर्दों से अगर जो बिगड़ा हुआ मवाद है अगर उसका वो बढ़ जाता है यानी वो ज़्यादा निकलता है तो क्या होगा, मौजिब तकफीक हो जाएगा, यानी इस केस में अगर मवाद जो है बिगड़ा हुआ मवाद आसानी से निकल जाता है तो इस केस में क्या होने वाला है, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन सेकंड केस में बढ़ भी सकती है, बढ़ कैसे जाएगी, कभी शिरकत बाय से तकलीफ मजीद होती है, यानी कई बार जो है शिरकत की वजह से क्या हो सकता है, जो तकलीफ़ है वो हमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी उसमें और ज़्यादा एडिशन हो जाएगा। ऐसा कब होने वाला है, एग्जांपल देखते हैं। अगर जिगर के साथ में गुर्दे भी शरीक हो जाएं, यानी लीवर की प्रॉब्लम थी साथ साथ में किडनीज़ की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो इस केस में क्या होने वाला है, तकलीफ़ बढ़ जाती है इस केस में तकलीफ़। तो यानी दो केसेज हम यहाँ पर देख रहे हैं एट्थ और नाइन्थ में। पहला, कभी कभी तकलीफ़ कम हो सकती है, हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो हमारा मर्ज था वो कम हो जाएगा। कब होगा, जैसे हम देखते हैं कि अगर बिगड़ा हुआ मवाद जो है आसानी से बाहर निकल जाए, और कभी कभी ये तकलीफ जो है बढ़ भी सकती है, जैसे जिगर जिगर के साथ साथ में अगर किडनीज भी अफेक्टेड हो जाएं, यानी एक साथ में दो दो इफेक्ट हो जाएं, तब भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स ऐसे देखे थे जिनका रिलेशन था कि किस तरीके से शिरकत होते हैं अमराज में।